नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे की नमकीन, जिसे पोहे का चिवड़ा भी कहा जाता है। उसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब मैंने ले ली है पीतल की कढ़ाई और उसमें हम डाल लेंगे सरसों का तेल। हम सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें पोहा फ्राई करना है। मैंने लिया है पोहा, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची बहुत कम ली है मैंने, बादाम, किशमिश, मूंगफली कच्ची हैं जिनको मैं अभी फ्राई करूंगी, कड़ी पत्ता और पिसी हुई शुगर। मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अभी मैं इन सबको एक एक करके फ्राई करूंगी, जिसमें फ्राई मैं करूंगी सबसे पहले कच्ची मूंगफली को, फिर कड़ी पत्ता और फिर बादाम और किशमिश, और सबसे लास्ट में हम करेंगे पोहा फ्राई। तो बने रहिए ब्लॉग में। पोहे का चिवड़ा बनाने के लिए मैं इस पोहे को डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगी, मैं पहले इसको थोड़ा छान लूँगी। सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता फ्राई करूँगी, जिसको मैंने अच्छे से धोकर और फिर धूप में सुखा लिया था। मैंने कड़ी पत्ता फ्राई कर लिया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं फ्राई करूंगी कच्ची मूंगफली। मैंने मूंगफलियों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको भी अच्छे से छान के एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं फ्राई करूंगी किशमिश। ध्यान रखिए, किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। हमारी किशमिश भी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम फ्राई करेंगे बादाम। ये जो रेसिपी है एक तरह की नमकीन है और एक यकीन मानिए, इसको मैंने कई बार ही बनाया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हम बाज़ार से भी खरीद के लेके आते हैं जो कि बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जब हम इसको घर में बनाते हैं तो एक रीजनेबल रेट पर बहुत सारी नमकीन हमारी बन जाती है। हमने इनको भी ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना। अब हमारे बादाम भी भुन चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा, हम करेंगे पोहा फ्राई। इस तरह से हम धीरे धीरे अपना पोहा सारा फ्राई कर लेंगे। ये हमारा पोहा है जिसे हमने फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। आप इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालें। लाल मिर्ची जो कि मैंने बहुत कम ली है, क्योंकि आमतौर पर पोहा की जो नमकीन होती है उसमें कम मिर्च होती है। और ये हल्दी, हल्दी इसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि इससे एक येलो कलर आएगा। और ये पिसी हुई शुगर, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पोहे में सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। अरे मैं तो इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि डालना भूल ही गई, मैं उसको अभी रेडी करती हूँ। मुझे इसमें पिसी हुई सौंफ भी डालनी है। ये 2 टेबलस्पून सौंफ है जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स जिनको मैंने फ्राई कर लिया था, कच्ची मूँगफली, किशमिश, बादाम और कड़ी पत्ता, ये सब भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम सभी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हमें इसको किसी बड़े बर्तन में अच्छे से मिक्स करना है। मैंने ये लगभग 1 किलो नमकीन एक साथ बना के रख ली, और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी, नट्स भी, कड़ी पत्ता सब कुछ यूज़ किया है। और 1 किलो है तो काफ़ी टाइम के लिए चल भी जाएगी और बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करिए ताकि मैं नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।